के ऊपर। स्वामी विवेकानंद जी के पास में एक व्यक्ति आकर बैठ गया और उस व्यक्ति ने कहा, मैं बहुत परेशान हूं। मैं बहुत परेशान हूं, मेरे को बहुत कष्ट है, बहुत तकलीफ में मेरी जिंदगी चल रही है। स्वामी विवेकानंद जी, मेरी परेशानी को समाप्त कर दीजिए। कल आपको कथा में कहा था, संत, साधु, गुरु तीन चीजों से दूर रहता है। जो गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी को बताया था, तीन चीजों से संत, साधु, गुरु दूर रहता है। पहला नमस्कार, दूसरा चमत्कार और तीसरा नमस्कार। असली अगर गुरु है, असली अगर संत है, असली अगर साधक है, तो वो ये तीन चीजों से दूर है। उसको कोई मतलब नहीं इन तीन चीजों से। किसने प्रणाम करा, किसने नहीं करा, कौन ने भेंट चढ़ाई, कौन ने नहीं चढ़ाई, उससे कोई उसका मतलब नहीं, उससे कोई सब। मेरी भटिंडा की जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी बहनों, मेरे भाई, अपनी चित्तवृत्ति में एक बात उतार कर रखना, जब तक आप शिव की शरण में नहीं गए तब तक दुख तुम्हारा है। और जिस दिन तुमने एक लोटा जल महादेव को चढ़ाना प्रारंभ कर दिया तो तुम्हारा दुख महादेव का है, फिर तुम्हारा दुख तुम्हारा नहीं है, तुम्हारी तकलीफ तुम्हारी नहीं है, तुम्हारा कष्ट तुम्हारा नहीं है, फिर वो दुख महादेव का है। ये कथा का जो पंडाल है, लोग इसको कहते हैं शिव महापुराण की कथा हो रही है, हम कहते हैं ये शिव महापुराण की कथा नहीं हो रही है, नेत्रों की जांच हो रही है, नेत्र शिविर लगा है, इसमें आंखों की जांच है। कोई कोई मरीज ऐसा होता है, हॉस्पिटल में जाता है, डॉक्टर साहब से कहता है मुझे दूर का नहीं दिखता, मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर उसको दवाई देते हैं, ड्रॉप देते हैं, आंखों में डालकर देखता है, अभी भी मुझे दूर का नहीं दिखता। डॉक्टर साहब ने उसको टेबलेट दे दी, उसने ली, मुझे दूर का नहीं दिखता। अब डॉक्टर ने कहा यदि तुम्हें दूर का नहीं दिख रहा तो मैं एक चश्मा बना देता हूं, चश्मे से दिखेगा, चश्मे से उसको दूर का दिखने लगा। फिर कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब मुझे पास का नहीं दिखता। डॉक्टर ने उसको भी ड्रॉप दिया, उसको भी दवाई दी, उसको पास का नहीं दिख रहा तो फिर उसके लिए भी चश्मा बना दिया। आप में से कोई कोई मरीज ऐसा बैठा होगा जो डॉक्टर के पास जाकर कहेगा ना दूर का दिखता ना पास का दिखता, तो डॉक्टर ने एक ही चश्मे में दो गिलास लगा दिए, ऊपर आधा गिलास ऊपर है तो दूर का दिखता है, आधा गिलास नीचे तो पास का दिखता है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही चश्मे में दो गिलास, दो कांच, आधे में दूर का दिखता है, आधे में पास का। बहुत सारे मरीज डॉक्टर के पास पहुंचे और कहते हैं दूर का नहीं दिखता, पास का नहीं दिखता, पर आज तक ऐसा मरीज डॉक्टर के पास नहीं गया जिसने जाकर कहा हो कि मुझे इन नेत्रों से मेरा महादेव नहीं दिखता। उसका कोई चश्मा है, उसकी कोई दवाई है कि मेरा परमात्मा मुझे दिख जाए, तो डॉक्टर भी कह देगा इसकी कोई दवाई नहीं है, इसकी दवाई केवल एक शिव महापुराण की कथा है, उसमें जाकर बैठोगे तो चश्मा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आंखों में लेंस लगा देता है, उस लेंस से परमात्मा नजर आने लगता है कि शिव कैसा है, कृष्ण कैसा है, गुरु नानक देव जी की भक्ति कैसी है, भजन कैसा है, संत नामदेव जी की भक्ति कैसी, कीर्तन कैसा है। आप सब इस कर